की जांच करेगा। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने आज इस मामले विच तीन मैंबरी संविधानक ट्रिब्यूनल का गठन किया है। इस नूं चार महीने विच जांच रिपोर्ट पेश करने लई कहा है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन मैंबरी ट्रिब्यूनल का गठन करके यह पता लाने के हुक्म दिए ने कि सूबे के उच्च सियासतदान अफसर सरकारी शामलात जंगलात या पंचायती जमीन उत्ते कदे अते किवें काबज होए। ट्रिब्यूनल यह भी पता लगाएगा कि सरकारी जमीन की मालकी प्राइवेट या निजी व्यक्तियों के नाम उत्ते किवें चढ़ाई गई। जस्टिस एम एम कुमार और जस्टिस आलोक कुमार उत्ते आधारित बेंच ने इस मामले संवैधानिक ट्रिब्यूनल की लोड़ पर जोर दिता। उन्होंने कहा कि मोहाली विचली जमीन मामले च जिन्हां 60 प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम सामने आया है उन्हां विच मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अते पंजाब पुलिस मुखी सुमेर सिंह सैनी का नाम शामिल है। तां सरकारी ढांचे तो निरपक्ष जांच की आस नहीं रखी जा सकती। There are certain allegations made that there are certain lands belonging to panchayats etc. which have been grabbed by certain politicians and higher officials. There were also a report which was called for by the court itself. The court was tabled before the report was tabled before the court. Now, as far as the report is concerned, the court thought that it is a matter which requires a constitution of an independent tribunal, so that there is no influence from the functionaries of the state. As far as that aspect is concerned, that is how the court has gone into the issue. But there are also very larger issues involved in the matter, like certain people whom I represent. They claim that they are the proprietors of the land, and as per the law of the land, they are entitled to sell their shares. इस मामले च 2007 विच हाई कोर्ट विच पटीशन पाई गई सी। इस पटीशन च शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह ने मोहाली दे नवांगांव पिंड च सरकारी अते जंगलात दी जमीन नूं उच्च अफसरां ते सियासतदानां वल्लों दबण दा मामला उठाया सी। इस पटीशन नूं बाद विच जनहित पटीशन च बदल दिता गया। जनहित पटीशन ते सुनवाई दौरान अदालत ने पंजाब दे एडीजीपी चंद्रशेखर नूं इस मामले दी जांच दे हुक्म दित्ते सन। जांच दौरान चंद्रशेखर ने इस गल दा खुलासा कीता सी कि मोहाली जिले च लगभग 25,000 एकड़ जमीन उत्ते नजायज कब्जे किए गए ने अते जमीन दे कब्जाकारां विच बहुत सारे उच्च अफसर सियासतदान अते प्रभावशाली व्यक्ति शामिल ने। जांच रिपोर्ट च मोहाली जिले च जमीन दी मालकी रखण वाले 60 प्रभावशाली व्यक्तियों दे नां अदालत अगे पेश किए गए। इस सूची विच प्रकाश सिंह बादल दे नां हेठ जीरकपुर खेतर दे लोहगढ़ पिंड च 5 एकड़ जमीन चढ़ाई गई है। इस सूची च पंजाब दे मौजूदा पुलिस मुखी सुमेर सिंह सैनी तो अलावा होर कई आईपीएस अधिकारी सियासतदान अते उच्च अफसर शामिल ने। बाद विच पंजाब सरकार ने 53 व्यक्तियों नूं क्लीन चिट दे दित्ती अते अदालत नूं दस्या कि 7 व्यक्तियों दा जमीन उत्ते कब्जा है। यह जमीन पहला शामलाट हुंदी सी पर इस जांच उत्ते सवाल उठाउंदिआं अदालत ने आजाद जांच ट्रिब्यूनल दे गठन दी गल कही। भावें कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कहिंदे कि इन्हां व्यक्तियों दे कब्जे हेठली जमीन गैर कानूनी सी, पर सुनवाई दौरान अदालत ने अजिहे होर मामलों का भी जिक्र किया अते इन्हां मामलों नूं भी इस जनहित पटीशन दे नाल जोड़ दिता गया। इट्स एन इंपॉर्टेंट ऑर्डर क्योंकि ये कई सालों से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रही थी और जो रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी गई मिस्टर चंद्रशेखर की उससे पता लगा कि इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआईपीज ब्यूरोक्रेट्स पुलिस ऑफिसर्स पॉलिटिशियंस एंड इवन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर इन्वॉल्व। तो इसको सामने रखते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस कुमार और जस्टिस आलोक सिंह ने जस्टिस कुलदीप सिंह को ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन बनाया। ही विल बी असिस्टेड बाय अनदर मेंबर मिस्टर पीएन अग्रवाल एंड रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सारे जो शामला दे या अदर प्राइवेट लैंड गवर्नमेंट लैंड नजूर लैंड जो फॉरेस्ट लैंड हैं पंजाब में जो ट्रांसफर नहीं हो सकते थे उसके फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होल्ड करें कैसे ट्रांसफर किए गए और रेकमेंड करें टू दी हाई कोर्ट कि क्या सिविल और क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए टू रिट्रीव दोज लैंड्स टू दी पंचायत और टू दी गवर्नमेंट एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज हु परपेट्रेटेड दैट इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल एज प्राइवेट पार्टीज द रिसिपियंट्स ताकि ये फ्यूचर में ना हो। इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल की इसलिए जरूरत है क्योंकि इतने हाई अप्स हैं वो इंडिपेंडेंट कोई भी ऑफिसर पंजाब गवर्नमेंट में अंडर द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं दे सकेगा। तो इसीलिए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हेड इट एंड ही विल रेकमेंड टू द हाईकोर्ट अल्टीमेट ऑर्डर हाईकोर्ट ने पास करें। केस की सुनवाई दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल अशोक अग्रवाल ने जांच ट्रिब्यूनल के गठन करन दा जोरदार विरोध किया। अग्रवाल ने दलील दी कि इस मामले च ट्रिब्यूनल कोई मसला हल
नहीं कर सकता क्योंकि इस मामले की जांच पहला ही हो चुकी है जिसकी रिपोर्ट अदालत अगे पेश की जा चुकी है। अग्रवाल का यह भी कहना सी कि किसी भी शिकायत का निपटारा करने सरकारी ढांचा समर्थ है। दलील सुनने तो बाद अदालत ने ट्रिब्यूनल के गठन का हुक्म सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के सबका जज जस्टिस कुलदीप सिंह की ट्रिब्यूनल में शामिल होने सहमति पहला ही ले ली गई है। जमीनी मामलों के माहर समझे जाते सीनियर एडवोकेट पी एन अग्रवाल इस ट्रिब्यूनल के दूजे मैंबर होंगे। ट्रिब्यूनल के तीजे मैंबर वजो सेवा मुक्त सैशन जज मैंबर बनाया जा सकता है। इस ट्रिब्यूनल की जांच का घेरा इकले मोहाली जिले तो बधा के पूरा पंजाब कर दिता गया है। इस मामले उत्ते जदों अशोक अग्रवाल नाल गलबात कीती तां उन्हां अधिकारित तौर ते कोई टिप्पणी तो इनकार कर दिता पर ट्रिब्यूनल का जांच घेरा बधाउण की पुष्टि कीती। और इस एडवोकेट जनरल टू कमेंट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ योर पूरे पंजाब के स्टेट जो भी लैंड है जहाँ पे सारी लैंड है एनी लैंड पीस ऑफ लैंड स्टेट ऑफ पंजाब जी उसकी जांच के लिए ट्रिब्यूनल होगा। पंजाब सरकार नूं इह भी हुक्म दिते गए ने कि वह दो हफ्ते के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल नूं लोड़ींदा स्टाफ दफ्तर अते ढांचा मुहैया करवाए अते ट्रिब्यूनल नूं चार महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देने लई कहा गया है। अदालत ने नाल ही स्पष्ट किया कि जेकर लोड़ पई तो ट्रिब्यूनल का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। चंडीगढ़ तो कैमरामैन अमन गुप्ता ते संजय मेहता नाल खुशहाल लाली डीएन नाइट न्यूज। सीनियर कांग्रेसी आगू और विरोधी धिर के आगू सुनील जाखड़ ने पंजाब में सरकारी जमीना से नजायज कब्जे की जांच लई तीन मैंबरी ट्रिब्यूनल के गठन का स्वागत किया। मोहाली जिले में सरकारी जमीन से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और डीजीपी समेत सैनी सने 60 अजिहे प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम जांच में सामने आए सन जिन्होंने जमीन उत्ते नजायज कब्जे किए हुए ने। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए सुनील जाखड़ ने अकाली भाजपा सरकार उत्ते सरकारी मशीनरी की दुरवरतों करने के दोष लाया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायतों और म्यूनसीपल कमेटियों की चोणों में कांग्रेसी उम्मीदवारों से झूठे केस बना के उन्होंने कागज वापस करवाए गए हैं। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस लीडरशिप नाल विचार करके सूबा पद्धर से संघर्ष विधन की भी गल कही। मेरी राय है कि जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए